महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें स्थापना दिवस पर एमपी इंटर कॉलेज के कार्यक्रम स्थल पर शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीडीएस विपिन रावत ने ध्वजारोहण किया तथा कॉलेज में नवनिर्मित मंच पर बने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ तथा महाराणा प्रताप और गुरु गोरखनाथ और माँ सरस्वती की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विद्यालयों से लगभग 2500 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्था के सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे देश की रक्षा सेनाएं हैं, देश की सीमाओं की रक्षा पूरी मजबूती के साथ कर रही हैं। कहीं भी देश के अंदर कोई कमजोरी नहीं देखने को मिली है। पग पग पर भारत की रक्षा सेनाएं किस मजबूती के साथ भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, वो अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का प्रारंभ इसी वर्ष शुरू हुआ और यह प्रयास भारत की जनता का था, जिसके सपने लगभग 500 साल बाद साकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना दिवस के समारोह के कार्यक्रम को एक सप्ताह तक चलाया जाएगा और 10 दिसंबर को इसका समापन होगा। एक सप्ताह होने वाले तमाम कार्यक्रमों में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष व DDU विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर UP सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक संगीता यादव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थान के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में मंच पर पधारते हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, मंच पर आज का यह नवनिर्मित मंच और उस मंच पर विराजमान त्रिमूर्त राष्ट्र की ऊर्जा श्रद्धे गेनाजी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण और अब बच्चे अपने स्थान पर शांति और शालीनता से बैठ जाए, पूरी शालीनता से बैठ कर लोकार्पण और महाराणा प्रताप होते न प्रताप तो प्रताप की न बात होती, चर्चा भी न होती हिंदुवानी आन बान की। शंख घड़ी घंटा का निनाद न सुनाई देता, यज्ञ धूम बनता न शोभा आसमान की। कलमा कुरान यहाँ रोजा और नमाज होते, कथा कीर्ति शेष होती वेद की पुराण की। लोग इतिहास की किताबों से ही जान पाते, एक कौम हिंदू थी खरा थी हिंदुवान की। ऐसे बीज तिरुमण महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण अनावरण हम सब के बीच इस नवनिर्मित मंच पर मन हुआ। हम सब भाग्यशाली हैं, इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं कि हम सब का सौभाग्य, हम सब साक्षी बन रहे हैं इस प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से। पूज्य महाराज श्री तुय ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन के साथ निवेदन करता हूँ। महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय के लिए मैं आहूत करता हूँ महान रीना जी और उनकी छात्राओं। महाराष्ट्री के कर्तव्यों से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा आज अपने मुख्य अतिथि जनरल रावत साहब। मातृभूमि की रक्षा में देश की सीमाओं और देश के बाहर जाकर के अफ्रीका के कांगो तक, देश की सीमाओं के बाहर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले जनरल रावत, और देश के अंदर उसी समर्पण भाव से उसी तेवर से अपनी तरुण ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पूज्य महाराष्ट्री
गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा, अपने संत द्वय का अभिनंदन ग्रंथ परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से, वही बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय गणतंत्र के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की ओर से स्मृति चिन्ह, हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्षनाथ पीठाधिपति जी महाराज के उनका 100वां वर्ष है और महंत उनका 125वां जयंती वर्ष है। तो आज इस कार्यक्रम को बहुत इसलिए भी डॉक्टर शर्मा जी का देखिए भाई उत्तरी और स्मृति चिन्ह के साथ पूरे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से प्रतिनिधि स्वरूप अभिनंदन और स्वागत करें भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह का। सरल लेकिन हरदिल अजीज प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह अपने ही जैसी सरलता की प्रतिमूर्ति, क्योंकि द्वारा अच्छे अच्छे महल, अच्छे अच्छे भवन बनाने के बाद उनके हाथ काट लिए जाते थे, लेकिन यहाँ तो उन हाथों का अभिनंदन किया जा रहा है और शानदार रचना। ये है हमारी हिंदू संस्कृति और ये हमारे महाराष्ट्र की अपनी कार्यशैली है। चीफ डिफेंस एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत सरकार, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय यूपी सिंह जी तथा अन्य सभी मंचासी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के 28वें संस्थापक सप्ताह समारोह में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप में शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। मुझे यहाँ पर 1992 में आने का अवसर मिला था इस मैदान में एक कार्यक्रम के अंतर्गत। आज इस मैदान में आकर मुझे इसके मंच के लोकार्पण के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए विशेष उत्साह का विषय है। हम सब जानते हैं कि समय के बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासतौर से हम कहें कि धार्मिक क्षेत्र में जो गोरखपुर की जो दिशा और दर्शन था उसने समय समय पर करवट लिया है और इसका मुख्य सूत्रधार के रूप में जो युग पुरुष गोरक्ष पीठाधीश्वर रामलीन महंती विजयनाथ जी महाराज थे और महंत अवैधनाथ जी महाराज थे, उनका एक विशिष्ट योगदान रहा है। हम सब जानते हैं कि जिनके नाम पर हमने संस्था का नामकरण किया है, महाराणा प्रताप जी के नाम पे, उन्होंने भारत की रक्षा के लिए और भारतवर्ष के शौर्य को का वर्धन करने के लिए मुगलों से उन्होंने मोर्चा संभालने के लिए अपने प्राणों की जो उन्होंने आहुति दी और उसके साथ साथ उन्होंने जो कम सेना में रहते हुए और बड़ी जो सुसज्जित सेना थी मुगलों की उसको पराजित करने का काम हल्दी घाटी के युद्ध में किया, वो आज भी हम सब के मन मस्तिष्क में हमारे स्मृति पटल पर है। महाराणा प्रताप का जो जीवन काल था वो हमेशा संघर्ष करते हुए आज़ादी में हम जिएंगे और आज़ादी के साथ हम बराबर अपने पूर्ण शत्रुओं से मोर्चा लेंगे जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जो उनका रक्षा सूत्र था उसने वास्तव में उनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में परिलक्षित किया, स्थितियों को सुधारने में किया है और आज वो इस पूर्ण अवसर पर पधार कर निश्चित रूप में सबका हौसला अफजाई, जिसको बोलते हैं कि उत्साहवर्धन करने का कार्य करने हेतु यहाँ पर बधा रहे हैं। मैं पुनः आप सबका मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समिति का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे शिक्षा परिषद की ओर से, इस मंच की ओर से, इस सदन की ओर से, युवा पीढ़ी की ओर से, गोरखपुर महानगर की ओर से और पूर्वांचल की ओर से आपका सादर अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको सादर आहूत करता हूं, आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए, सैनिकोचित उद्बोधन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए जनरल रावत साहब। मंच पर पधारे विशेष अतिथिगण,
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं उनके प्राचार्य, आपके कुशल भविष्य की हम प्रार्थना करते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेहनत और लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जैसे कि मैंने कहा, आपकी सफलता पर भारत देश की सफलता निर्भर है, इसीलिए आप जो भी कार्रवाई करते हैं उसे सच्चे दिल, ईमानदारी, वफादारी से करिए। और हम चाहेंगे कि भारतवर्ष आने वाले वर्षों में देश में एक उन्नतिशील देश बने और पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति का विचार, विचारधारा हम दुनिया में फैला सकें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही शिक्षा परिषद के इस नवीन मंच के लोकार्पण और मूर्तियों के भी लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज के समारोह के मुख्य अतिथि जनरल बिपिन रावत जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आईटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री के रूप में भी कुशल पाकपूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक ब्रिगेडियर केपीबी सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण, मान्य सांसद, मान्य विधायकगण, मान्य महापौर, अन्य सम्मानित अतिथिगण, शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य और आचार्यगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का और समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। और एक नवीन मंच आप सबको अपने कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो रहा है, इन अतिथियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की, मैं इसके लिए
माणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 28वां संस्थापक सत्ता समारोह का है। अगले 10-11 वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं के सामने एक नई चुनौती होगी और वह होगी जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को इस 10-11 वर्षों के दौरान कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किन चुनौतियों का सामना करना है, ये चुनौती आपके व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है, सामाजिक जीवन की हो सकती है और राष्ट्रीय जीवन की भी हो सकती है, इन सब में आपकी क्या भूमिका होगी, इन सभी का सामना करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज का ये सत्र हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक नवीन मंच के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। ये प्रतिमाएं केवल प्रतिमाएं नहीं है, ये हमारी प्रेरणा भी है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और उन सभी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ सकें, इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मनाता है। हमें याद रखना होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा अचानक नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए उन्हें प्रयास करना होता है, इसके लिए उन्हें कोई अपने आदर्श सामने रखने पड़ते हैं, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना पड़ता है, नकारात्मकता जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और याद रखना, नकारात्मक व्यक्ति कभी भी जीवन के उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता। जीवन में सफलता का राज आज के जो मुख्य अतिथि ने आपको बताया कि व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो और साथ साथ एक टीम वर्क करने का, एक साथ सबको साथ लेकर के चलने का एक भाव उसके मन में हो तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कल मैं रात्रि को जनरल साहब के साथ चर्चा कर रहा था और मैंने उनसे इस बारे में कहा
मैंने कहा जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, कि देश की सीमाओं की रक्षा करता हुआ हमारा एक सैनिक जब उन दुर्गम क्षेत्रों में देश की सीमा की रक्षा करता है जहां पर वर्ष भर बर्फ पड़ा रहता है, कैसे संभव हो पाता है? एक दिन, दो दिन, चार दिन व्यक्ति गया, उसने एक सामान्य घटना को लेकर के या वहां पर मौज मस्ती की दृष्टि से जा सकता, रह सकता है, लेकिन निरंतर दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कैसे संभव हो पाता है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो आसान कार्य है, और सैनिकों को तो वहां पर निरंतर एक नई ऊर्जा, एक नई उष्मा मिलती है, बर्फ है इसीलिए वो वहां रह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको जूझना है और जूझते हुए उसको अपने अनुकूल बनाना है। जब वह उस बर्फबारी को अपने अनुकूल बनाता है तो ही वह दुश्मन की छाती को बेंधने की क्षमता रखता है। और तब उन्होंने दिनकर की पंक्तियां उस समय कही कि बड़ा होने के लिए व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम का रास्ता कहां से शुरू होता है? जो महाकवि दिनकर ने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, और नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। सुचिंतकों को जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आप वर्चुअल क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए आम जनमानस में भी इसको एक अभियान का हिस्सा बनाए, और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेगा, शासन प्रशासन और जन समुदाय और देश का युवा अगर इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा तो हमें सफलता प्राप्त होने में कोई देर नहीं लगेगी। और इसलिए COVID-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी हरेक छात्र छात्रा को आगे आना पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाने की अनिवार्यता को भी पालन करना पड़ेगा, सावधानी और सतर्कता हरेक स्तर पर बरतने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेंगे तो इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। याद रखना, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, कई कारणों से है, कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा दुनिया, लेकिन सफलतापूर्वक भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रख रहा है, साथ साथ कोरोना को परास्त करने के लिए पूरी तत्परता के साथ देख रहा है। इस वर्ष देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की, हमारी रक्षा सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा पूरी मजबूती के साथ कर रही है, कहीं भी देश के अंदर कहीं भी कोई कमजोरी न देखने को मिले, पग पग पर भारत की रक्षा सेनाएं जिस मजबूती के साथ भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है वो अभिनंदनीय है। और उस अभिनंदनीय कार्यक्रम के साथ इस देश ने इस वर्ष अनेक अन्य उपलब्धियां हासिल की। आज जब हम इस मंच के माध्यम से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की प्रतिमाओं को यहां पर स्थापित किए हैं, एक नवीन मंच माणा प्रताप का शिक्षा परिषद को यहां पर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर याद रखना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी इस वर्ष प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ है, और ये सपना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का था, ये सपना ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज का था, ये सपना देश के पूज्य संतों का था, और ये सपना भारत की जनता का था, जिस सपने को साकार किया है लगभग 500 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह भारत के
सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, तो साथ ही साथ इस देश को एक लंबे समय के बाद, लगभग 34 वर्ष के बाद, एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आपको एक नई शिक्षा नीति भी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल ज्ञान को, सैद्धांतिक पक्ष को ही ध्यान में रखकर के नहीं बनाई गई है, बल्कि जीवन के ज्ञान में, ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है, इस व्यावहारिकता को भी ध्यान में रखकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मैं चाहूंगा माणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई जितने भी लगभग 45-46 संस्थाएं माणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होती हैं, और मैं चाहूंगा कि शिक्षा परिषद के अंदर भी अलग अलग संस्थाओं के शिक्षकों की भी एक समिति गठित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए कौन से ऐसे पहलू हैं जिसे शिक्षा परिषद को, यद्यपि पूरी नीति को ही हमें अंगीकार करना है, लेकिन यहां भी अलग अलग टीमें बननी चाहिए अलग अलग कार्यक्रम के लिए, और फिर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे शिक्षा परिषद अपने माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकती है, इसको ध्यान में रखकर के भी शिक्षा परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने में अपना योगदान देना है, और इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। परिषद के सभी प्रधानाचार्यों को, सभी आचार्यों को, सभी अभिभावकों को और सभी छात्र छात्राओं का भी आह्वान करूंगा, वे सभी इसके साथ जुड़ करके शताब्दी वर्ष की तैयारी के लिए अभी से कार्य करना प्रारंभ करें, और एक एक संस्था समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सके, अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी बन सके, इस दिशा में हमें अभी से प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है जो ये प्रयास आपका होगा, यही प्रयास आपका अपने संस्थापकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में होगा, क्योंकि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक शब्दों में वाचिक मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे संस्थापक क्या चाहते थे, हमारी शिक्षण संस्थाओं से कैसे नागरिक जाने चाहिए देश के लिए, इस देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, यह तय करने का अधिकार हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को होना चाहिए, और उसके अनुरूप हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने आप को तैयार करना होगा, और यही तो माणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक चाहते थे, यही तो इसी के लिए तो माणा प्रताप ने अपना त्याग और बलिदान दिया, इसी के लिए उनको जंगलों में जाकर के देश की स्वाधीनता के लिए भले ही घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन दुश्मन के सामने, विदेशी हुकूमत के सामने झुकेंगे नहीं, विदेशी हुकूमत के सामने किसी भी प्रकार से हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, यही भाव था कि जंगल में भले घास की रोटी खानी पड़ी हो, लेकिन देश का स्वाभिमान और देश का गौरव नीचे नहीं करने देंगे, यही माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने, यही शौर्य और पराक्रम का, यही बलिदान की एक नई प्रेरणा इस देश के अंदर भरी थी, यही ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके आज से 88 वर्ष पहले इसी संकल्प के साथ माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने आपके बीच में निरंतर दशकों तक माणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक एक संस्था को सींचते गए, उसको आगे बढ़ाते गए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते गए, और आज उसका परिणाम है कि एक विराट वट वृक्ष के रूप में माणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के भी आदर्श के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब माणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना 28वां संस्थापक सप्ताह समारोह का यहां पर शुभारंभ कर रहा है, यह वर्ष हमारे लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ एक दुखद घटना भी इस दौरान हमारे साथ घटित हुई। शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर तेज प्रताप शाही, इस वर्ष उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई। वास्तव में यह क्षण हमारे लिए बहुत मर्माहत का था, लेकिन उस सब के बावजूद शिक्षा परिषद के साथ जुड़ करके उन्होंने जो सेवाएं की, मैं इस अवसर पर शिक्षा परिषद की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो परंपराएं यहां पर संस्थापक माणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने माणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के लिए तय की, वे निरंतर अपने संस्थापकों और शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में उन सभी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से माणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, हमारे तमाम अन्य सैन्य अधिकारीगण आज इस समारोह में भागीदार बने। उनका प्रेरणादायी उद्बोधन माणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्राप्त हुआ, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इन सबके जीवन का पाथेय बनेगा और ये निरंतर उन मार्गों का अनुसरण करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को उस पूरे समर्पण भाव के साथ ये सभी छात्र छात्राएं कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के हैं, प्रदेश में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तमाम अन्य शिक्षा से जुड़े हुए, तकनीक से जुड़े हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए तमाम अन्य विभागों का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। आज वे भी इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हमारे तमाम अन्य जनप्रतिनिधिगण इस समारोह में उपस्थित हुए। इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं माणा प्रताप शिक्षा परिषद को संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर और इस नवीन मंच के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप निरंतर माणा प्रताप शिक्षा परिषद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और मातृभूमि के लिए अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के लिए कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय।